लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद से लेकर अब तक पार्टी को लगातार एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को कई बड़े नेताओं ने अलविदा कहा है और इन सबके बीच में नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति पर अब तक संशय बरकरार है। सिद्धू की ना राजनीति कांग्रेस के साथ होगी या कांग्रेस के खिलाफ, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। सिद्धू ने हालांकि कई बार ऐसे संकेत दिए हैं कि अब उनकी राजनीति कांग्रेस से अलग ही होगी। कई बार नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखे गए हैं और इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कितनी सारी खबरें सामने आ रही हैं नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से अलग हो जाने को लेकर। आपको बता दें, 15 महीने बाद नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को पब्लिक के बीच दिखाई पड़े। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ सिद्धू का ये मोर्चा था। इसमें खास बात ये रही, 40 मिनट के प्रोग्राम में सिद्धू ने विधेयकों की जमकर खिलाफत की, लेकिन उन्होंने ना तो केंद्र सरकार का नाम लिया ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रैली में सिद्धू और उनके समर्थक यही सिमटे रहे। वैसे तो रैली में कांग्रेस के ढेर सारे पार्षद और कार्यकर्ता थे, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आया। सिर्फ कुछ लोगों ने काले झंडे ले रखे थे। इस रैली में तख्तियां ली हुई थी, लेकिन रैली में कांग्रेस का नामो निशान दिखाई नहीं पड़ा। अब यहाँ सवाल ये उठता है, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये रैली केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की या अपनी ओर से? क्योंकि कांग्रेस के बैनर नहीं बल्कि सिद्धू के अपने YouTube चैनल, जिसके जरिए वो केंद्र सरकार पर और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसी YouTube चैनल के बैनर यहाँ पर थे। सिद्धू की इस रैली में मिले संकेत के बाद ये बात साफ होने लगी है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस से अलग अपने आप को राजनीति के अखाड़े में मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।